अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड फ्राइड राइस, जिसके लिए हमने 3 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, थोड़े फ्रेंच बीन्स, गाजर, 3 एग लिए हमने, और चिकन लिया है बोनलेस, और 1.25 किलो चावल लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा नमक, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, शेजवान चटनी, और ये हमने फ्राइड राइस मसाला लिया है। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा नमक, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर इसके रेशे निकालेंगे। कुछ लोग उसको बॉईल करके भी रेशे निकालते हैं, बट हम थोड़ा अलग स्टाइल से बनाएंगे। चावल को हमने बॉईल करने के लिए रखा है, इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। बॉईल करने के बाद इसका पानी निकाल लेंगे। एक फ्राई पैन को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अंडे को हम फेंट लेंगे, थोड़ा इसमें काली मिर्च क्रश करके डालेंगे और थोड़ा नमक, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम होने के बाद इसमें अंडा डाल देंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसी फ्राई पैन में हम दोबारा से थोड़ा ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम मैरिनेट किए हुए चिकन को तेल में डाल देंगे। इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, बाद में इसके रेशे कर लेंगे। चावल हमारा बॉईल हो गया है, अब इसका पानी हम निकाल लेंगे, और चिकन भी हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको थोड़ा भूनेंगे। सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस, शेजवान चटनी, विनेगर, इसको थोड़ा हम भूनेंगे। इसमें हम हमारे वेजिटेबल डालेंगे,
फ्राइड राइस मसाला, वेजिटेबल को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसमें थोड़ा हम काली मिर्च डालेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। वेजिटेबल हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम एग, हमारा चिकन जो हमने रेशे किया था वो डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चावल में नमक डाला था और फ्राइड राइस मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। चावल को हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है। हमारा चावल वाइट नहीं होना चाहिए, मसाले में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें स्प्रिंग ओनियन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, मैंने नहीं डाला है। मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। देखिए हमारा होममेड फ्राइड राइस बनके तैयार हो चुका है। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।